सो जैसे ही आप सॉल्ट डालेंगे, लेमन उस पर डालेंगे, तो आपको सॉल्ट का कलर ब्लू होते दिखेगा क्योंकि आयोडीन प्रेजेंट है उसमें. सो बेसिकली दैट्स अ चेंज ऑफ कलर यू कैन सी. सो यू कैन सी दैट द रिएक्शन इज गोइंग ऑन. अब इधर आप देखिए दैट देर इज़ अ चेंज इन टेम्परेचर. तो ये हम कैसे मेजर कर सकते हैं? तो हम लेते हैं क्विक लाइम इन अ बीकर. बीकर में क्विक लाइम लेने के बाद उसमें हम डालेंगे पानी. तो पानी डालते हैं तो ये क्विक लाइम बन जाएगा इंटू स्लेक लाइम. मतलब क्विक लाइम था हमारा कैल्शियम ऑक्साइड और स्लेक लाइम हो गया हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड. तो जैसे ही हमने पानी डाला, आप उस बीकर को हाथ लगाइए. जैसे ही आप हाथ लगाओगे, थोड़ा सा गर्म गर्म फील होगा. मतलब रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक. एक्सोथर्मिक मतलब व्हेन हीट इज रिलीज्ड और प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द रिएक्शन, तो उसे हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं. हमारे पास ऐसी भी रिएक्शन है जहाँ पे हीट एब्जॉर्ब होती है. तो अब वो कौन सी रिएक्शन है? तो जब हम बेरियम हाइड्रोक्साइड मतलब BaOH2 प्लस NH4Cl दैट इज अमोनियम क्लोराइड को रिएक्ट करते हैं, तो हमें मिलता है बेरियम क्लोराइड दैट इज BaCl2 और अमोनिया एंड वाटर. तो हमें ये तीन चीज़ मिलती है. तो ये एकदम जो टेम्परेचर होता है उसमें बीकर ठंडा हो जाता है, मतलब हीट को एब्जॉर्ब कर रही है. तो दैट इज़ नोन एज एंडोथर्मिक रिएक्शन, विच मीन्स दैट हीट इज़ बीन एब्जॉर्ब ड्यूरिंग द रिएक्शन. मतलब चेंज इन टेम्परेचर इन ईदर ऑफ द केस या तो बढ़ेगा या तो कम होगा, तो हम बोलेंगे कि रिएक्शन हो रही है. नाउ कमिंग टू चेंज इन स्टेट. अब जैसे सिंपल एग्जाम्पल ले लेते हैं कैंडल का. कैंडल है, उसको ले लो. अब कैंडल आप जलाओगे तो धीरे धीरे मेल्ट होती जाएगी, इट विल टर्न इट सेल्फ फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड. तो इसको हम बोलेंगे क्या? चेंज इन स्टेट. अब ये कैंडल का वैक्स है ना, धीरे धीरे, मतलब बहुत बड़ी कैंडल ले लो तो बहुत ही छोटा सा मतलब वैक्स रह जाता है एट द एंड ऑफ द पार्ट लाइक. तो मतलब पूरी कैंडल जो लिक्विड होती है वो फर्दर गैसियस फॉर्म में भी कन्वर्ट होती जाती है इन अ फॉर्म ऑफ CO2. कंबशन होती है उसमें. तो दिस फॉर्मेशन ऑफ सॉलिड टू लिक्विड, लिक्विड टू गैस, ये होता है चेंज ऑफ स्टेट. तो दिस इज ऑल्सो नोन एज केमिकल रिएक्शन हो रही है. अब देखिए, ये मैंने आपको एक बेसिक एक्सप्लेन किया है. इसके बाद मैं आपको, अगर याद है तो मैंने आपको वर्कशीट 1 भेजी थी जिसमें सारे एलिमेंट्स थे. तो केमिकल रिएक्शन स्टार्ट करने से पहले आई वुड लाइक कि आप अपना 9th स्टैंडर्ड का चैप्टर नंबर 3 और 4 एक बार पढ़ लो. और उसमें हमने जो वैलेंसीज की थी, हमने किसे हाइड्रोक्साइड कहते हैं, किसे हम डाइऑक्साइड कहते हैं, ये सब किया था हमने 9th स्टैंडर्ड में. तो ये सारे टेबल्स आप 3rd और 4th चैप्टर के फ्रॉम द 9th टेक्स्ट बुक देख लो. हमारी जो नेक्स्ट लेक्चर होगी वो केमिकल इक्वेशन पे होगी. और ये केमिकल इक्वेशन ऐसा है कि ये आपको लाइफ लॉन्ग आएंगे केमिस्ट्री में. और इसे आपको बहुत ही अच्छे से याद करना है, अच्छे से लर्न करना है और अच्छे से प्रैक्टिस भी करनी है. इट्स लाइक अ मैथमेटिक्स बट इट इज़ वेरी इजी अगर एक बार दिमाग में घुस गया तो. वरना थोड़ा सा टफ लगेगा बट डोंट वरी, आई एम देयर. तो ऐसा प्रॉब्लम नहीं होगा. सो बेसिकली मेरा जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें केमिकल रिएक्शन के बारे में बात करेंगे. लेकिन उससे पहले आपको पता होना चाहिए हाइड्रोक्साइड क्या है, सल्फेट क्या है, सल्फाइट क्या है, हाइड्रोक्साइड क्या है, नाइट्रेट क्या है, नाइट्राइट क्या है.